गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, यू हैव अ एग्ज़ाम फ्रॉम 27. तो मैम आपको बताने वाले हैं कि आपको पीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किस वे से करनी है और आपको क्या क्या पढ़ना है. फाइन, सो लिसन इट केयरफुली. बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैप्टर 1 स्माइल आपके सिलेबस में है. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है. ओके, देन आपको पेज नंबर 4 पे चूज द करेक्ट आंसर. इनके जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से लर्न करना है. फाइन बेटा, और उसके बाद कम टू द पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 पे आपको ये जो ग्रामर पार्ट दिया हुआ है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इसको अच्छे से पढ़ना है. बेटा आप सब जो एग्जांपल्स दिए हैं उन्हें भी अच्छे से रीड करोगे. फाइन, आपको कोई भी एग्जांपल स्किप नहीं करना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अच्छे से रीड करोगे. फाइन, पेज नंबर 5 पे आपको क्या रीड करना है, अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. पेज नंबर 6 पे आप सिंगुलर और प्लूरल के जो रूल्स हैं, हाउ टू चेंज द सिंगुलर इंटू प्लूरल्स, आपको ये रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पढ़ने हैं. फाइन, और पेज नंबर 7 पे आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है COD, इनको आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करोगे और बेटा इसको राइट करके प्रैक्टिस करना और इसकी स्पेल्स को अच्छे से लर्न करना. फाइन, कि लास्ट में वाई दिया हो नाउन में तो क्या लगता है, CH दिया हो तो क्या लगता है और इनकी स्पेल्स क्या होती हैं. फाइन, और इन एक्शन वर्ड्स को आपको पिक्चर की हेल्प से अच्छे से इसकी रिवीजन करनी है. पेज नंबर 8 पे आप ये पार्ट को अच्छे से रीड करोगे, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ए. फाइन, और पेज नंबर 9 पे आपको ये जो डबल लेटर्स दिए हुए हैं, इन डबल लेटर्स को अच्छे से सेंटेंस को रीड करके उनके स्पेल्स को लर्न करना है. बेटा ये तो था कि बुक वर्क में आपको क्या क्या पढ़ना है. अब हम बात करते हैं अबाउट द नोटबुक वर्क. फाइन, यस बेटा, नोटबुक वर्क में आप लेसन 1 स्माइल के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं, फर्स्ट से लेके 10th तक, इन सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेल्स को लर्न करोगे. ओके, एंड यू विल गेट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन फिलअप्स फॉर्म, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग. आपको ये जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं बच्चा, फर्स्ट से लेके 8th तक, इन सब वर्ड मीनिंग्स को आपको अच्छे से लर्न करना है. बेटा हम इनके अच्छे से रिविज़न भी कर चुके हैं और मैम इसका टेस्ट भी आपका ले चुके हैं. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. बच्चे ये जो वर्ड मीनिंग है, यदि आप इसका मीनिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज करके भी लिखते हो तब भी कोई मैटर नहीं करता. फाइन बच्चा, क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन आंसर के अंदर फुल आंसर राइट करना है, कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं देगा. यदि आप डायरेक्ट आंसर राइट करते हो तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. एंड सेकेंड थिंग, आपसे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी आप उतना ही आंसर करोगे. फाइन, आई होप बेटा यू हैव अंडरस्टूड वट यू हैव टू डू फॉर योर PT एग्जाम. सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.